You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। जर्मनी की डॉचा बैंक डिप लेती है जबकि बिटकॉइन को एक बूस्ट मिलता है। कार्डानो हिस्टोरिक माइलस्टोन को रीच करता है। पॉपुलर एनालिस्ट प्रिडिक्ट करता है कि एडीए की प्राइस $15 तक पहुंचेगी। शिबा इनू का शिबेरियम 70% बेस फीस का बर्न करेगा, ये सुन के कम्युनिटी डिलाइट होती है। सोनी मल्टीपल गेम प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस NFT ट्रांसफर्स पर आय करती है और अपना एक नया पेटेंट रिवील करती है। नैस्डैक क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेस लॉन्च करेगी बढ़ती मार्केट डिमांड के कारण। टेथर Q1 2023 में $700 million का प्रॉफिट पोस्ट करने के लिए रेडी है। NFT इन्वेस्टर एक्सीडेंटली $135,000 का क्रिप्टो पंक बर्न कर देता है मनी बोरो करते करते। टॉप इथेरियम वेल 56 ट्रिलियन से भी अधिक शिबा इनू टोकन्स को स्टॉक पाइल करता है डेटा के अकॉर्डिंग। 80 क्रिप्टो फर्म्स हांगकांग में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है ऑफिशियल के अनुसार। अमेजोन के NFT प्लान्स टीज किए गए फ्राइडे को मेल की गई एक रिसिप्ट में। अब 1200 से ज्यादा जर्मन बैंक्स रिटेल कस्टमर्स को बिटकॉइन ट्रेडिंग ऑफर कर सकती है। NFTX DAO ट्रेजरी रीबैलेंसिंग की तरफ देखती है USDC वॉबल करने के बाद। डोचे बैंक के शेयर्स 14% से गिर गए जिसके वजह से पैनिक छा गया यूरोप के अक्रॉस, जबकि BTC 40% से ज्यादा बढ़ चुका है SVC के कोलैप्स के बाद। इस वीक में पहले जर्मनी का डेवक बैंक ने यह बताया कि वह बिटकॉइन ट्रेडिंग ऑफर करेगा 1200 अपने एसोसिएट्स को। डैन गबर्डिलो जो कि क्रिप्टो कैपिटल वेंचर के फाउंडर है ने सैटरडे को कहा कि कार्डानो इथेरियम से बेटर पोजिशनड है और कार्डानो ने भी 4 मिलियन वॉलेट्स का माइलस्टोन पार किया। इनका यह मानना है कि यह हिस्टोरिक माइलस्टोन दिखाता है कि ADA की प्राइस $15 तक पहुंच सकती है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार शिबेरियम इथेरियम से 1000 गुना सस्ता होगा ट्रांजैक्शन फीस में, जिसमें कि ट्रांजैक्शन फीस को सेपरेट किया गया है बेस और प्रायोरिटी फीस में। शिप कम्युनिटी को एक्साइट करता है वो है कि 70% उसका बर्न किया जाएगा और 30% को साइड में नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए रखा जाएगा। सोनी का NFT फ्रेमवर्क एम करता है NFTs को गेम प्ले में इंटीग्रेट करने का, रिप्रेजेंटिंग स्किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और पॉपुलर इन गेम फंक्शनलिटीज का इस्तेमाल करके। उन्होंने एक पैटर्न फाइल किया है एक फ्रेमवर्क के लिए जो कि यूजर्स को अलाउ करेगा ट्रांसफर और नॉन फंजेबल टोकन्स को मल्टीपल गेम प्लेटफॉर्म्स पर यूटिलाइज करने का। नैस्डैक एम करता है अपना मच एंटिसिपेटेड क्रिप्टो कस्टडी सर्विस लॉन्च करने का जो कि बढ़ती हुई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में इरा जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नैस्डैक के ने कहा कि वह आगे पुश कर रहे हैं ताकि वह नेसेसरी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले पाए। इधर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पाओलो आर्डिनो के अनुसार प्रोजेक्टेड प्रॉफिट Q1 2023 का Q4 2022 के साथ मैच करेगा जो कि $700 million होता है। ये जताता है कि टीथर के पास टोटल $1.6 billion के एक्सेस रिजर्व रहेंगे मार्च 2023 के एंड में। NFT कलेक्टर ब्रैंडन रेली क्रिप्टोपंक #685 को अपने कलेक्शन में ऐड किया था 13th मार्च को 77 ETH के बदले और वो होप कर रहे थे कि वो इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करते रहेंगे, लेकिन रैपिंग NFTs के अनफेमिलियर प्रोसेस के थ्रू जाते जाते उन्होंने गलती से इस एड्रेस को बंद कर दिया जिससे कि NFT हमेशा के लिए सर्कुलेशन के बाहर हो गया। सबसे बड़े इथेरियम वेल्स ने एस्टाउंडिंग 56 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स को जमा किया है जिसकी वैल्यू $600 million से भी अधिक होती है जो कि इसे वन ऑफ द बिगेस्ट अल्टकॉइन होल्डिंग्स बना देता है वेल्स के बीच।